मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट ये कपड़े कुछ इतने महंगे थे कि मेरी हॉबी टूट गई। जल्दी से जल्दी होटल पहुंच के हमें कहीं जाना है। आज जिंदगी में पहली बार टैक्सी के लिए रुका पर मुझे टैक्सी नहीं मिली। फर्स्ट टैक्सी एक्सपीरियंस, टैक्सी नहीं मिली। एनीवे पहले होटल चलते फिर बताता हूँ मैं कहाँ जाना। हालत खराब बहुत ज्यादा, फिर भी बोलने के लिए शब्द नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हालत खराब 66 फ्लोर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेयर इज द 6601? अब हिंदी हो गया, हिंदी बोल यार, बहुत मेहनत कर लिया इंग्लिश बोल के। हाय 601, अरे बाप रे हम किधर आ गए थे। वी गोइंग टू अप। यस यस अप अप अप। कम टू माय ब्लॉग। वेयर आर यू फ्रॉम? नेपाल। व्हाट इज योर नेम? मिर्सन रॉय। क्या? मिर्सन रॉय। मिर्सन रॉय, मीट माय न्यू फ्रेंड गाइस मिर्सन रॉय। हेलो टू माय इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली। भाई ये भाई, ये भाई अपने हिंदी भाई, भाई नहीं आप कहां से हो? नेपाल से। अरे भाई तुम भी नेपाल से हो, हिंदी एक नंबर बोले। थैंक यू हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आ रहा। फाइनली भाई को इस्तरी नहीं करना है, पर भाई हमारे लिए नई इस्तरी लाया है उसने। थैंक यू इस्तरी मिल गई, चालू कर, लेट हो रहा भाई। जल्दी जल्दी में मेरा शर्ट जलना है, मेरे को इस्तरी नहीं आता। पहला एक्सपीरियंस लाइफ का। गाइस बताओ मेरी आउटफिट कैसी लग रही है, अगर ठीक लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मुझे अभी लेट हो रहा है, टैक्सी नीचे आ गई है, अभी निकलेंगे हम लोग। एक्सपीरियंस फर्स्ट ऐसा था कि मैंने टैक्सी का वेट किया, टैक्सी मिली नहीं, बट अभी मेरे दोस्त जो लास्ट टाइम में आया था उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक की है। हम लोग चलेंगे नीचे, फिर चलेंगे टैक्सी में। बताओ भाई मेरा मतलब, मेरा फोन किया मास, चल रेडी डन। लिफ्ट की स्पीड देखो, लिफ्ट की स्पीड। गाइस आपको याद होगा मैं यही होटल में था लास्ट टाइम, जिन्होंने मेरे लास्ट दुबई वाले जो ब्लॉग देखे होंगे। तो आज मैंने यहाँ पे किया, इससे पहले दो दिन में एक दूसरे होटल में था। तो मैं जिस दूसरे होटल में था वो होटल ना मतलब उधर मज़ा नहीं आया, तो आज मैंने ये होटल किया। ये होटल मतलब दरअसल मैं इधर ही बुकिंग कराने वाला था, बट ये होटल खाली नहीं था, तो आज खाली हुआ तो मैंने तुरंत उधर से इधर शिफ्ट कर लिया। हम लोग जा रहे हैं मैच देखने, आज मुंबई का मैच है, जिनके स्टेडियम में मेरे दोस्त है। अब जानते हो मेरे लास्ट ब्लॉग में मतलब जिन जिन लोगों ने देखा होगा नहीं, पर मैं आपको वापस इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे इधर एक फ्रेंड है खलफ पुक्तेर करके, उनका ये स्टेडियम है शारजा स्टेडियम, तो आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं आपको पता नहीं उनको ना कैमरे से वो बहुत शर्माते, तो लगभग ही वो ब्लॉग में आएंगे और देखते अगर आएंगे तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका स्टेडियम उन्होंने आज मुझे इन्वाइट किया, और आपको पता है मुंबई मेरी फेवरेट टीम है, तो आज मैच भी देखेंगे। सो चलो स्टेडियम में, बहुत मजा करेंगे आज, मस्ती करेंगे थोड़ी। ये जो लाइटिंग दिख रही है आपको वो स्टेडियम है, अंदर जाके मिलते हैं। जो स्ट्राइक पे है वो है आपका रोहित जिंदुरके, नहीं वो है मिस्टर रोहित शर्मा, जो अच्छे लगते हैं मुझे। रोहित शर्मा के लिए मैं लकी हूँ जो उन्होंने अभी सिक्स मारा। ओ गया आउट, अरे यार रोहित आउट। गाइस हार्दिक पांड्या इन द ग्राउंड। पहली बार आज ग्राउंड में मैच देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं जब लास्ट टाइम इधर आया तो मैंने इधर क्रिकेट खेला हुआ है, बट वो टाइम पास वाला। यहाँ पे आज मैं IPL देख रहा हूँ। इससे पहले जब मैं दुबई आया था तो मैंने पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी मैंने रखा था कि हम लोग इधर क्रिकेट खेले हुए हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे इधर क्रिकेट खिलाया हुआ है। तो वो थोड़ा मीटिंग में बाहर गए, मैच का मजा लो तब तक। आज पहली बार स्टेडियम में मैच देखने आया और मैच आज 10:20 पे ही खत्म हो गया, जो कि 11:30 बजे तक चलता। आज मुंबई ने बहुत फटाफट रन मार दिए। मॉर्निंग, रात को हम लोग उधर से निकल गए तो शूट करने का टाइम नहीं मिला, जल्दी से जाके बहुत भूख लगी थी, खाना खाके होटल आया, फिर होटल आके सोया। एंड लुक एट दिस व्यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, देन मैं ये ब्लॉग पूरा कंटिन्यू रखूंगा। तो लास्ट टाइम मैंने जो शॉपिंग किया था उससे इस बार डबल ट्रिपल दो तीन गुना ज़्यादा शॉपिंग करनी। बहुत दिनों में मैंने तगड़ी शॉपिंग नहीं की, ये टाइम आया है तगड़ी शॉपिंग करने का। तो चलते, दो जन साथ में है। अफजल भाई
लास्ट टाइम ठेला पकड़ने के लिए अफजल भाई थे, आज ठेला पकड़ने के लिए सिद्धार्थ को भी बुलाया दो आदमी स्पेशल ठेला पकड़ने के लिए। वी आर इन द दुबई मॉल। मुझ पे बहुत गुस्सा है बिकॉज ऑफ मैंने मन की कर ली है, एक्सपेंसिव थोड़ी शॉपिंग कर ली है भाई। मैं आया इसलिए दुबई, मैंने ये सोच के आया था कि दुबई जाऊंगा क्योंकि दुबई में कपड़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको भी पता है कि कपड़े अच्छे अच्छे पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी हॉबी है, मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। बट ये कपड़े कुछ इतने महंगे थे कि मेरी हॉबी टूट गई। बहुत थक गया आज, लगभग हम लोग 2 बजे मॉल में घुसे और निकल रहे हैं 10:30 बजे। और ये शॉपिंग सिर्फ मेरे अकेले की हुई है, सिद्धार्थ को भी शॉपिंग करने दी पर उसने शॉपिंग ही नहीं की, बोल रहा था भाई मैं कल आऊंगा, तू आज तेरी शॉपिंग खत्म कर ले। क्योंकि मेरा कैसा था, जो दिखता था मैं उधर घुसता था, जो दिखता था मैं उधर घुसता था, और जो मेरे को पसंद आता मैं ले लेता था। सो उसमें टाइमिंग चले जाता था विलिंग विलिंग करने में, वो सब पूरा मसला था। सो आज बहुत शॉपिंग की, बहुत मजा आया। जैसे नए नए कपड़े आते मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नए नए कपड़े पहनना, नए नए शूज पहनना। बहुत लोगों की डिमांड थी कि ब्लॉग बनाओ, और ब्लॉग बनता है यार, क्यों नहीं बनेगा। और गाइस मैं अभी नए नए एडवेंचर्स भी करूंगा दुबई में, सो पॉसिबल होगा तो मैं और व्लॉग्स अपलोड करूंगा दुबई में। सो नए नए एडवेंचर्स हम करेंगे, तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि कुछ नई चीजें करेंगे तो आपको भी मेरा एक्सपीरियंस दिखेगा, देन आप व्लॉग एंजॉय करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, ऐसे ही व्लॉग को प्यार देते रहो, लव यू। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।